हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से अलीपुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि अलीपुर मेन रोड पर जो मस्जिद बनी हुई है उसके लाउड स्पीकर से खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, मस्जिद है यहाँ पर जो गर्ल्स स्कूल के सामने है और इससे आगे ही थोड़ा एक बॉय स्कूल है। आपको कहूँगा कि एक बार दिखा दें, जो गर्ल्स स्कूल है वो भी यहाँ पर है और बॉय स्कूल भी है। इन्हीं को लेकर जो है शिकायत दर्ज कराई गई है अलीपुर थाने में। जो लाउड स्पीकर है उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसिंग जो हो रही है उसी को लेकर जो हिंदू वाहिनी संगठन है वह अन्य जो हिंदू संगठन है जो इस इलाके में है उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि जो लाउड स्पीकर है वो कहीं ना कहीं तेज़ आवाज़ करता है, जिससे जो छात्र हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। कई अन्य चीज़ें भी उसमें बताई गई हैं। एक स्कूल है, साथ में स्कूल है, बॉय स्कूल है और इधर एक गर्ल स्कूल है। इसी को लेकर जो हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू संगठन जो हैं उनकी तरफ से एक अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि कहीं ना कहीं जो मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है उसकी वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं। लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर अलीपुर थाने में जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, जो मस्जिद है वो 40 साल पुरानी है यहाँ पर और स्कूल हैं वो स्कूल भी यहाँ पर पुराने हैं। दोनों जो स्कूल हैं, लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, उसी को लेकर जो है हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से व हिंदू संगठन की तरफ से जो है अब अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि कहीं ना कहीं जो है जो लाउड स्पीकर हैं जो चल रहे हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं परेशानी है। उन लाउड स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए जो है थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस ओर कब ध्यान देता है और कब तक जो लाउड स्पीकर हैं इन पर रोक लगती है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। जय श्री राम।